श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयनं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः न ते तदुक्तं जज्ञो न घटेते चेतस्य तत् वालस्य उत्पादनं सर्वो केचित् संदिग्ध चेतसाः। कुछ लोगों ने कुछ वहां पर आए थे लोग, उन लोगों ने देखा तो उनके मन में न तो ये बात जची कि श्री कृष्ण ने वृक्षों को खा डाला और ये श्री कृष्ण जो हैं, भाई इसने पूछना को तो छह दिन का था मार दिया था और इतना वर्ष को इसने मार दिया और गाड़ा उलट दिया, ये बात तो सुनी थी तो शायद कुछ हो भी। पर वो तर्क वितर्क में पड़े रहे, उनके मन में कोई बात सिद्ध हुई नहीं, वो तर्कों में रह गए। तो कहते हैं कि भगवान के संबंध में जो तर्क करते हैं वो तर्कों में रह जाते हैं, उन्हें तर्क का जंगल उन्हें कभी पार होने देता ही नहीं, फंसे रहते हैं। न वो भजन कर सकते हैं और न वो भगवान की ईश्वरता को जान करके उसके तत्व को जान सकते हैं, तो वो कुछ ठीक निश्चय नहीं कर सके। उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्य नंद प्रहसन बदनो विमोच। अब वो नंद बाबा ने देखा कि बच्चों ने फिर आगे कहा कि बाबा देखो हम सच कहते हैं तुम हमारी बात मानो। तो फिर नंद बाबा हंस पड़े, उपनंदादि हंसे, बोले ये बच्चे जो हैं, हाँ बोले तुम ठीक कहते हो बेटा, ठीक कहते हो। कन्हैया ने कर दिया, बच्चों को भुला करके किसी तरह से हटा दें, भूल तो आप रहे हैं। तो अब वो बच्चे की तरफ आगे बढ़े, मन में तो विषाद आ गया नंद बाबा के, सुन लिया था ना कि यशोदा से ऐसा काम हुआ कैसे, इस कोमल से बच्चे को और यशोदा ने उखल से बांध दी, कहां उखल का भार और कहां रस्सी और कहां इसका कोमल नरम नरम इसका रेशम सा पेट। नेत्र छल छल करने लगे, आंसू भरी आए, पर सोचा कि अभी समय दूसरा है, समयानुसार ही नाट्य होना चाहिए। अभी अगर आंखों में आंसू आ गए कन्हैया डर जाएगा, बाबा रोता क्यों है, बाबा रोता क्यों है। तो कन्हैया के मन में वेदना होगी और कहीं ब्रजेश्वरी को मालूम हो गया कि नंद महाराज को मेरी कृति से दुख हुआ तो वो संकोच में डूब ही जाएंगे, अभी डूब रही होंगे संकोच में, तो वे उनको बड़ा संकोच होगा। तो ब्रजेश्वर ने अपने आप को अपने भावों को छिपाए रखा, हंसने लगे, वेदना छिपा कर हंसने लगे और धीरे से हाथों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर हंसते हुए बंधन खोल दिए, उखल से खोल करके अलग कर दिया। अब भगवान के नेत्रों से तो अश्रु का प्रवाह बह चला, ये अभी आंसू नहीं आए,
जब ये खोलने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया तभी आंसू आ गए, स्नेह के आंसू। तो बाबा ही प्रेम करता है, मैया इसमें तो प्रेम है नहीं। बाबा में प्रेम है तो बाबा के प्रेम को देख करके और ब्रजेश्वर के आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। बाबा ने उठा लिया, उठाकर गोद में लिया। अब आंसुओं से श्याम सुंदर का सिर धुलने लगा, अभिषेक होने लगा। अश्रु अभिषेक लोग गंगा जल से अभिषेक करते हैं, ये विचित्र बात है, प्रेम का अभिषेक आंसुओं से हुआ करता है। अब भगवान का मस्तक तो नंद बाबा के यहां पर छिपाए हुए छाती के, और आंसू का प्रवाह बह रहा है उससे भगवान के मस्तिष्क का अभिषेक हो रहा है। अब वो फुफकार फुफकार कर और रो गए। अब वो अपना दुख निकाले ना रो करके, तो बार बार रो रहे जोर जोर से। तो अनजान से बनकर बाबा पूछने लगे कि बेटा वो कौन दुष्ट बुद्धि ऐसा है जिसने तुमको इतना हट करके बांध दिया। पुत्र कुत्रत्य खलु खल बुद्धि येन चोलू खले निर्बंध जनित बंधस्त तुमसी। वो दुष्ट बुद्धि कौन है, कहां है, वो कौन प्राणी है जिसने तुमको बांध दिया। अब जब लाड मिला इतना श्याम सुंदर को तो हंसी आ गई। बच्चों का दुख जो होता है ना वो स्थायी नहीं होता, हंस दिए और धीरे से कान में बोले, बोले बाबा तात माती गई थी, ये मैया ने बांधा है, किसने क्या बांध दिया, नाम तो जोर से लेता नहीं मैया का। काम ने कहा बाबा के कि बाबा मैया ने बांधा, ये मैया का काम है। नंद बाबा ने बात को बदल दिया। ब्रजेश्वर का अनुमान है कि नंद प्राणी को बड़ी वेदना होगी, तो नंद रानी को बड़ा दुख तो हो ही रहा है। तो वो दौड़ी आई आकर के वहां लज्जा के हमारे सिर नीचा, उनका बड़ा दुख मन में, बच्चे के दुख से अपने को बड़ा दुखी मान रही है। कारण तो वही नहीं कारण हूं मैं अगर न बांधती, अरे क्या हुआ, मटके फूट गए थे, फूट गए, कौन सी बात थी, और जानती मटकों के लिए नहीं बांधा था। पर लोग तो यही कहेंगे ना कि नंद रानी इतनी कंजूस कि बच्चे ने मटके फोड़ दिए तो इस कोमल कोमल अंग वाले बच्चे को बांध दिया, बड़ा मैया को, भैया मैया पागल सी विक्षिप्त सी होकर के एक तरफ बैठ गई। तो नंद बाबा ये समझ गए कि अब कुछ कह देना है यशोदा के लिए, ये जले पर नमक लगाना है, घाव पर नमक लगाना है, यशोदा को बड़ा धक्का लगेगा उसको। तो कुछ नहीं कहा, कन्हैया को सहलाने लगे, उस प्रसंग को टाल दिया और मैया के पास अभी ले नहीं गए, उठा करके गोद में। अब उनको स्वस्थन करवाना है, बच्चे का हित देखना है ना, तो जमुना जी पर ले गए, स्वयं स्नान किया, बच्चे को स्नान कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, फिर स्वर्ण दान दिया, गोदान दिया, गुरुजनों का आशीर्वाद लिया, बच्चे को आशीर्वाद दिलवाया, घर लौटे। अब कहला दिया रसोई की तैयारी करो। तो आज नंदरानी की दशा तो बड़ी विचित्र हो गई, वो तो चुपचाप बैठी रो रही हैं, और उन्होंने एक जल की बूंद भी नहीं ली, तमसन किए बैठी हैं, मन ही नहीं करता। अब जब घर लौट आए तो नंद बाबा ने बड़े प्रेम से लाला के हाथ फेर करके पूछा कि लाल जाओगी माँ के पास, तात स्वमातरम यास्यसी। फिर उठे हुए बोले नाना नहीं 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 जाऊंगा माँ के पास। तो बोले बेटा फिर तो त्वाने वो समयान गमिष्यान, अब तो बाबा तुम्हारे ही पास रह के दिन काटूंगा, मैया के पास जाऊंगा ना। बूढ़ी बड़ी गोपियां पास रही,
हंसकर बोली, स्तनम कस्य प्यापास्यसि, अरे स्तन का दूध कौन पिलाएगी, स्तन का दूध कहां से पियोगे। तो मानो रोष में दोनों गालों को फुला करके बोले, सीता संभविष्णु धारोष्णम पैपास्य, न सही मां का दूध, बाबा मिश्री मिला देंगे और धारोष्ण दूध पी लूंगा, गैया का गरम गरम निकला हुआ दूध धारोष्ण दूध में पी लूंगा। गोपिया अब मजा ले रही हैं, अब कुछ हुआ तो है नहीं, वृक्ष टूट गए। मैया भी अब शांत हो गई। गोपियां चिढ़ाती हुई सी बोली, अरे केन केड़ी शशि, खेलोगे किसके साथ, मैया तो खिलाती है। तो अब कन्हैया ने दोनों अपनी भुजाएं उठा करके नंद बाबा गले में डाल दी, लटक गए। बोले, ताते ने यो संगम तथा भ्रातर में भी संगम गमीष्यामि, बाबा के साथ खेलूंगा और दाऊ भैया को भी साथ ले लूंगा, मां के साथ में। ब्रजेश के नंद बाबा के होठों पर मुस्कान आ गई। तो बोले, एक काम तो बेटा तो करेगा ना। बोले, क्या? बोले, भ्रातुर मातरम कथम नानु गच्छसि, अरे दाऊ की मां रोहिणी, उसके पास जाने में क्या हर्ज है। बोले, ना उसके पास नहीं जाऊंगा। रोष आ गया। बोले, मैंने उसको भी पुकारा था, रोहिणी रोहिणी मैया मैया छोटे मैया आ मुझे बांध रही है मैया, तो आई नहीं, मां बिहाई आई थी, मुझे छोड़कर भाग गई, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। अब भगवान की बात सुनकर रोहिणी के भी आंखों में आंसू आ गए, आंचल से आंसू पूछती हुई धीरे से बोली, लाल इतना कठोर कैसे हो गया, तेरी माँ को देख कितनी दुखी हो रही है, रो रही है, उन्होंने सुना ही नहीं। नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए, पुत्र कथम कठोरायसे माता तब दुखायते, कृष्ण तभी तक श्रृणवन निर शासन पितृमुख मीक्षते। बजराज की आंखों में आंसू आ गया। यशोदा रानी की चर्चा करते हुए बजराज ने कुछ देर तक लाड़ लड़ाया, भाव बदल गए, कितने क्षणों में अपने बंधन के दुखों को भूल गए। श्याम सुंदर, बचपन है ना, शिशु लीला, और माता की अपमान को भी भूल गए, मां याद आ गई, कहां गई मैया मेरी, कहां मां, मैया कहां है। अब मानो मैया का वियोग असह्य हो गया। रोहिणी समीप खड़ी थी, तो भगवान देखा ये मैया ही होगी, तो चढ़ गए गोद पर। अरे तो छोटी मैया, अरे छोटी मैया बता मेरी मैया कहाँ है, जल्दी ले चल मुझको। तो यही बार बार, कुत्र मे माता तत्र गमिष्यामि इति सशंकं रोहिण्यंकं गतवान्। रोहिणी गोद पर चढ़े, कहने लगे मैया के पास ले चल जल्दी। रोहिणी जी तुरंत नंद रानी के पास ले गई। श्याम सुंदर अपनी माँ के पास आ गए। माँ को बड़ी शंका मन में, यशोदा को कहीं न बोला तो। अब इनके मन में तो भाग दूसरा जाग गया था, इन्होंने गोदी से उतर करके और माँ के कंठ को दोनों हाथों से पकड़ लिया, गला कंठार बन गए, माँ के कंठार बन के झूलने लगे। अब देखा मैया ने कि ठीक है कोई बात नहीं। तो बड़ी सुंदर झांकी वो कहते हैं कि वत्स मूर्धनी च बुकम दधती सा, धेनुवद बड़ित घर घर शब्दा, रोदन प्रथनया द्रवदात्मा, रोदयत परिकरा नपि सर्वान। माता की ठोड़ी भगवान के मस्तक का स्पर्श कर रही है, यहां मस्तक है, और माता के आंसुओं से भरी आंखें हैं, गदगद कंठ है, वो अपने बच्चे का लाड़ कर रही है पर बोल नहीं पाती, जैसे गाय घूं घूं करती है,
इस प्रकार गाय की तरह से उसके उसकी ध्वनि निकल रही है, बोल नहीं पाती। आंखों से जल की धारा बह रही है, मानो माता का जो विगलित हृदय है, द्रवित हृदय, यही आंसू बनकर बाहर की ओर बह चला है। ब्रजेश्वरी का, नंदरानी का ये प्रेम भरा भाव सबको रुला देता है। जितनी वहां गोप सुंदरियां खड़ी थी, गोप रमणियां, सबके नेत्रों में रोदयत परिकरानक सर्वाम, सबके सब रोने लगी, सबके हृदयों में प्रेम उमड़ आया और वो आंखों के द्वारा निकल पड़ा। आकाश अब वो संध्या होने को आई, आकाश में तारे उगने लगे, नीलमणि के खाने का समय हो गया। मैया ने थाल सजाया, क्षणों में ही वे कंचन थाल में तमाम बढ़िया बढ़िया चीजें, जिनको कन्हैया खाता था चाव से, आज माता ने इतना दुख सह करके ये सब अपने हाथ से बनाया है। मैया आज प्रातः काल से, कल रात से ही दूध दुहने में लगी थी, घर में नौकर चाकर तो कोई था नहीं, अब तो सब लौट आए। मैया ने सारी चीज हाथ से बनाई, थाली भी अपने हाथ से मांझी, साफ की और उसमें सारा सजा करके लाला को गोदी में बैठाया और कहा, बेटा भोग भोग लगा ले, खा ले। अब मैया का भोग लगाया है, वो खा रहे हैं। बंधन को खुल गया, जरा कलेवा कराना चाहिए, ये कलेवा सुनने आ गत है श्री गोपाल आधोगत है श्री गोपाल खटरस सौंज बनायुज सोदाय खटरस सौंज बनायुज सोदाय रचिके कंचन था ये रचिके कंचन फल आरोगत है श्री गोपाल आरोगत है श्री गोपाल करती बयारी निहारती हरि मुख हाँ करती बयारी निहारती हरि मुख चंचल नैन विशाल चंचल नैन विशाल जो भावे सो मांगिले हूँ तुम जो भावे सो मांगिले हूँ तुम माधुरी मधुर रसा आल माधुरी ये मधुर रसा आल आरोगत है श्री गोपाल आरोगत है श्री गोपाल जो जे दर्शन
सनकादिक दुर्लभ ये जे दर्शन सनकादिक दुर्लभ ते देखती ब्रजबाल ते देखती ब्रजबाल सूरदास प्रभु ये कहती जसुदा सूरदास प्रभु कहती जसोदा चिरजीव ओ नदलाल चिरजीव नदलाल आरोगत है श्री गोपाल। ये मधुर दामोदर लीला उलूखल बद्धन लीला हुई। अखिल ब्रह्मांड के बहिर्मुख जीवों को जिनकी माया ने बांध रखा, जिनकी माया के पास से आबद्ध हैं, वही श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया की रज्जू से बंधन में आ गए, खोल नहीं सके। जिनके कृपा कटाक्ष का लेश मात्र प्राप्त करके जीवों का अनंतकालीन भवबंधन छूट जाता है, वे भगवान अपना बंधन स्वयं नहीं खोल सके। नंद बाबा ने आके तुरंत खोल दिया। भगवान का बंधन भक्त ने आकर के तुरंत खोल दिया, क्योंकि बंधन भक्त का ही तो रहा ना। इस परमाद्भुत लीला में भगवान ने अपनी प्रेमाधीनता का रहस्य बतलाया कि मैं कितना प्रेमाधीन हूं। काम क्रोध लोभ भय पलायन क्रंदन बंधन ये सब के सब भगवान ने स्वीकार कर लिए। प्रेमाधीनता के कारण से भगवान श्री कृष्ण यशोदा और नंद के वात्सल्य प्रेम की मानो घनीभूत मूर्ति, तो ये बड़ा आनंद इस प्रकार दिया। अब यहां पर ये रोज रोज ऐसी लीला करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये बाल लीला में बड़े प्रमत्त हैं और माताओं को बड़ा सुख देते। माताओं माए श्री यशोदा मैया और उनके समान वयस्क वय वाली बड़ी बूढ़ी देवियां, रूप देवियां, जो अपने को माता से बढ़कर मानती हैं। तो यहां ये तीन श्लोकों में ये भगवान की इन लीलाओं का वर्णन है। बड़े विस्तार से इन पर सूरदास इत्यादि ने देखा है और लिखा है। गोपी भिस्तो भितो नृत्यद भगवान बालवत क्वचित उद्गायति कुचिन मुग्धस्तद वशो दारु यंत्रवत विभर्ति कुचिदाग्यप्तः पीठकोन्मान पादुकम् बाहुक्षेपम् च कुरुते स्वानाम् च प्रीतिमावहन दर्शयस्तद विदाम लोक आत्मनो भृत्य वश्यताम् भजस्यो वाह वैहर्षम् भगवान् बालचेष्टितैः। इनका शब्दार्थ यह है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये भगवान
सर्वशक्तिमान सारे ऐश्वर्य से संपन्न भगवान कभी कभी तो गोपियों के फुसलाने से बालकों के सम्मान नाचने लगते, कभी कभी अनजान भोले भाले बालक की तरह गाने लगते, मानो उनके हाथ की कठपुतली हो गए, दारु यंत्रवत जैसे वे नचाती ऐसे ही नाचते। कभी उनकी आज्ञा पाकर पीढ़ा उठा के लाते, कभी बाबा की खड़ाऊ लेकर के आते, कभी कोई बटखरा शेरा शेरा कहती जरा देखें जोर है कि नहीं, ये उठा लाते, और कभी उन प्रेमियों को सुख देने के लिए पहलवानों की तरह से ताल ठोंक के खड़े हो जाते, ताल ठोंकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से माताओं को, मातृस्थानीय श्री गोपांगनाओं को, भगवान के माधुर्य भाव का रस लेने वाली तरुणी गोपियों को और बच्चों को, सारे ब्रजवासियों को, गोपों को, गायों को, बछड़ों को, सबको आनंदित करते और ये दिखला रहे कि मैं अपने सेवकों के वश में हूं, भृत्य वश्यता। इन्होंने लीला क्यों की? दंभ नहीं किया, नाटक नहीं किया, छल नहीं किया, अज्ञान में नहीं आए। ये जो भृत्य वश्यता है अपने सेवकों के, जिन लोगों ने अपने को मेरे समर्पण कर दिया है बिना किसी शर्त के, उन अपने सेवकों के मैं कितना वश में रहता हूं, वे मुझसे जो चाहे सो करवा सकते। बच्चा बन गया, उनके सामने रोने लगा, उनका दूध पीने लगा, उनके भय से भागने लगा, उन्होंने सोचा कि कमजोर है ये, उठा नहीं सकता पीढ़े को, उनके सोचने के अनुसार कमजोर बन गया। उन्होंने सोचा कि ये बाबा की खड़ा उठा के ले आवे, खड़ा उठाने वाला बन गया। इस प्रकार दारु यंत्रवत कठपुतली की भांति उनके वश में होकर के और भगवान लीला करने लगे। ये बात सुखदेव जी ने कही। अब इन लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया, बहुत लंबा चौड़ा है, इस पर हजारों हजारों पद हैं, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो ये वैष्णव तोषणीकार ने भी इस पर बहुत लिखा है। तो ये हर तरह से भगवान इनको सुखी करते। कभी अपने आंगन में गाने लगते, कभी बच्चों को इकट्ठा करके गाने लगे। अस्फुट गायन था, अभी छोटे बच्चे ही तो है, पूरा गाना आता नहीं, बीच बीच में बोली टूट जाए, शब्द टूट जाए। तो एक दिन के बाद ये मक्खन ले आई या लड्डू ले आई, कुछ ले आई ब्रज गोपियां, और आकर के एक तरफ खड़ी हो गई और उनके बाल चापल्य को, बाल लीलाओं को, खेल को देखने लगी। अब ये लीला रस में मत्त हैं, भगवत्ता उगत्ता कुछ नहीं यहां पर, ये तो बच्चों के साथ धमाचौकड़ी कर रहे हैं, न मालूम क्या क्या खेल खेलते हैं, कभी किसी से उछल पड़ते हैं, कभी किसी के साथ कुश्ती लड़ पड़ते हैं, कभी किसी के मुंह में कुछ ठूस देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये बाल चेष्टा इनकी हो रही है। तो इनकी चेष्टा को अपनी ओर खींच करके, दृष्टि को आनंद ले कैसे, तो बड़ी गोपियों ने उनका ध्यान खींचने के लिए किसी ने हाथ में मक्खन लिया, किसी ने मक्खन का लौंगा बड़ा भारी उसी का लड्डू लिया, छिपा रखा था, और कह रहे कन्हैया कन्हैया देख जा इधर देख, वो देख ही नहीं। अरे कन्हैया मक्खन है, मक्खन बड़ा सुंदर, लड्डू मीठा। लड्डू सुना, मक्खन सुना, तब जरा गई।
तो फिर उन्होंने छिपा लिया, तो फिर खेलने लगे, अरे बोले तुमको दूंगी अभी आओ तो यहां। तो लड्डू को फिर दिखाया, तो दिखावे छिपावे दिखावे छिपावे, तो अब उनका मन इधर आकर्षित हो गया। तो ये अब लड्डू का उस लौंदे का लोभ इनको लग गया, संवरण नहीं कर सके, तो खेल छोड़कर के आए और दोनों हाथ उठा के लगे नाश्ते में, बोले दे लाडू दे लौंदा दे दे जल्दी दे जल्दी दे। तो बोले भाई देंगे तो जरूर पर नाचो। कहते हैं कि जो अखिल ऐश्वर्य के अधिपति हैं, जिनके रचे हुए ब्रह्मांड में एक से एक उत्तम से उत्तम भोग्य वस्तु है, वो स्वयं एक गोपी के हाथ का थोड़ा सा छोटा सा लड्डू लौंदा माखन का लेने के लिए अपनी जीभ को वश में नहीं कर पा रहे हैं और बार बार काटो एक बन उसको बुला लिया खेलते खेलते, मेरा खेल भी गया तो देती भी नहीं, कभी उदास हो जाए कभी पल्ला पकड़ लें कभी हंसने लगे हंसता दे दे। तो कैसी प्रेमा भूमिका कितना भक्तवात्सल्य, कभी कभी संसार में ऐसा होता है, ऐसा अच्छे लोग करते हैं कि किसी धनी आदमी को गरीब बुलाए, मन चाहते कि हमारे घर जी में, और वो सभ्यता के नाते या हम बड़े अच्छे आदमी हैं, गरीबों से भी मिलते हैं ये दिखाने के लिए, चला जाए उसके घर भी, तो वो उसको खाने का आग्रह नहीं है, उसको उसके खाने के लिए उसकी जीभ लपलपा नहीं रही वहां पर उस दरिद्र के घर का अन्न खाने के लिए, वो जाता सभ्यता के नाते, वो जाता अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कि मैं कितना शीलवान हूं, इतना बड़ा हो करके भी इतने छोटे के घर में जा। इनके हाथ का लड्डू देख करके इनके मन में खाने का चाव हो गया, जीभ लपलपाने लगी इनकी, और जो जो देर हो त्यों त्यों अधीर हो उठे। तो बोले लाला एक काम करो, हम ताली दें और हमारी ताली के ताल पर तुम नाचो तो मिले। बोले पहले दे दो ना, तब खा लो तो कुछ बल आ जाए तो नाचो पहले। अब इतनी भी उनके वो धीरज नहीं है कि नाचने के बाद ले लेंगे। बोले बोले मैया नाचूं तो सही पर अभी तो हारा थका हूं, तो तू कुछ खाने को दे दो तो पीछे नाचूंगा। बोले नाना अगर लाडू खाने की लौंदा माखन का खाने की इच्छा हो तो नाचो तो नहीं सही, मैं तो नाचू चाहे हम देंगे नहीं। अच्छा मैया नाचू, तो लगे नाचने। कहा छछिया पर छाछ पे नाचन चावे, नाचने लगे। अब अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान ये गोपी के हाथ का माखन खाने के लिए नाचने लगे, थिरक थिरक कर। एक ने कहा बोले ये तार टूट रही है ना, अब इनको तो बोले मैया तार टूटे नहीं क्या करें, तुमको दिया नहीं भी तो खाने को खाने को मिल जाए तो ताल ठीक आवे। चतुर बड़े भारी, तो अब फिर नाचने लगे। बोले मैया आप बहुत देर नाचते होगी, तो दौड़े दौड़ जाके छीन लिया हाथ से मुंह में ले लिया। दूसरी बोली मेरे पास और है लाला ये देख, पर तो इसके नाचने से नहीं मिला है, मेरे सामने नाचेगा तब दूंगी। अब ये रुंझुन रुंझुन नूपुर की ध्वनि करते हुए श्याम सुंदर और ताल पर ताल देते हुए नाचने लगे। अब दूर खड़े नंद बाबा आ गए। अब ये मजा कौन न लूटे, देवताओं को तो इसका सौभाग्य प्राप्त होता है।
वो तो बेचारे दूर से ही देखते हैं, स्तवन करते रहते हैं, मुनि उनी में नहीं आ सकते, कोई गोपाल बन के आ गए तो आ गए। ये मजे में तमाम खड़े हो गए और लगे नाचने, ये तो ताली दे दे करके नाचे। तो एक ने कहा कि जरा गाओ को फिर दे गाओ, दूसरा मिल गया, तीसरे ने कहा जरा गाओ, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गा बहु, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया नंदई नाच दिखाओ। बोले बाबा आ गए हैं, अब तक तो हम ही लोग देखती थी बाबा को, जरा नाच तो दिखाओ, बच्चों से कहा करते हैं, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया नंदई नाच दिखाओ, देखो बाबा है इनको दिखाओ। तारी देहु आपने करकी परम प्रीत उपजा बहु, आन जंत धुन सुन कत दरपत मोह भुज कंठ लगाव हो, जन शंका जी करो लाल मेरे काहे को भरवा बहु, बाह ऊंचाई काल की नाई धोई धेन बुलाव हो, नाचो नेक जाऊ बलि तेरी मेरी साध पुराव हो, रतन जटित किंकिन पगन ऊपर अपने रंग बजाव हो, कनक खंभ प्रतिबिंबित शिशुक लवनी ताय खुआव हो, सूर श्याम मेरे उरते मेरे उरते कहूं तारे नेकन भाव हो। बड़ी सुंदर भावना है, गोपियां भगवान को नचा रही हैं और भगवान नाच रहे हैं। ब्रजपुर में आनंद के मानो लहर दौड़ गई, तमाम गोपियां इकट्ठी हो गईं और कोई नाचना चाहती है, कोई कुछ कहती है, कोई, अब सबको हो गया ना कि नंदलाल तो नाचते हैं और नंदलाल गाते, अब ये अवसर कौन छोड़े। कोई मिश्री लाई, कोई माखन लाई, कोई खिलौना लाई, कोई कुछ लाई, कोई कुछ लाई, और सबके सब इकट्ठी हो गई बाल सुलभ चेष्टाओं को देखने के लिए, रोज का काम हो गया। अब भगवान की ये शैशव धारा रस की बहने लगी, धीरे धीरे मुंह से बोलेंगे तोतली वाणी, ब्रज सारा इस रस सागर में डूबने लगा। ये चीज किसी ने देखी नहीं, कहते हैं कि न तो इसको, इस पर वेद कुछ विचार कर सके, वेदों ने नीति नीति कह दिया और तत्व का निरूपण करने की चेष्टा कुछ की जरूर, परंतु वे इस लीला का गान नहीं कर सके और न ब्रह्मा जी गा सके न शंकर जी गा सके, ये सब के सब ऐसे ही रह गए। अब तो गोपियां काम करवा लगे, एक गोपी ने कहा कि लाल जरा एक काम तो करो, जरा बाबा की वो जूती पड़ी है पानी उखड़ा पड़ी जाए उठा के लाओ। अब ये धीरे धीरे जाए, इनके अरुण अरुण बड़े सुंदर सुंदर कोमल कोमल, इनके नए कुसुम कोमल पल्लव के समान इनके हाथ, अब पावड़ी उठा ली धीरे से ला के हाथ पर रख दी। बोले इतना काम तो करने लगा, बोले अब की जा जा बेटा, तो पीड़ा उठा ला, तो गए पीड़ा उठाने लगे, पीड़ा उठा नहीं, तो अब देखें कहीं हंस तो नहीं रही है, कहीं ग्वाल नहीं हंस देगी, तो मन में होगा ना हार गए उठा नहीं सके। तो दूसरे ने कहा अरे उठा जरा जोर लगा मक्खन और मिलेगा, तो उठा लाए बेचारे धीरे से उठाया, यूं छाती को लाए यूं उठाया, यूं उठाया धीरे धीरे, चले अब देरी पर अटक गए, दिल्ली पर अटक गए, आगे बढ़े कैसे। किसी ने कहा जरा झाड़ू तो ले, झाड़ू ले। अब वो पद्मराग मणि चौखट की आड़ में पड़ी सोहनी को लेकर के बड़ी सलोन चित्रों से देखते और उठा लाते, गोपंगना को हाथ पर रख दे। एक ने कहा बोले जरा पता लगाओ ना लाला में इसके पैरों में बल आया कहीं, बोले सीढ़ी चढ़। अब चढ़ा जाए नहीं सीढ़ी, तो एक आई मैया आई, दूसरी आई, उन्होंने
पकड़ करके और खड़ा कर दिया। बोले देख मोर कैसे नाच रहा है, तुझे ऐसा नाचना आता है? अब दोनों भुजाओं को उठा करके पैरों को फैला दिया और पीठियों बांकी कर ली, टेढ़ी कर ली और नाचने लगे। गोपियां ताली खींचने लगी, बोले तुम मोर बन के नाचता है। इस प्रकार से वो खेल होने लगा। तो ये कहते हैं कि भाई ये चरित्र तो ब्रज में ही है, इस चरित्र का ये गान सुन लीजिए, फिर ये लीला कल होगी। ये गोपियों का क्या सौभाग्य था, बनी हरि के लिए सहज लूट हरि के, भगवान की लीला के लूट है यहाँ पर, ये लूट ये गोपी नते सपने ये यह कृपा कमला पावे। जो ये आनंद उठा ये लक्ष्मी जी को भी कभी सपने में नहीं मिला, कमला न पाई। बनी सहज यह लूट हरि के गोपीन के सपने यह कृपा कमला पावे। बनी निगम निरधार त्रिपुरार चार रहो ये निगम निरधार त्रिपुरार विचार रहो पच रहो से सुन ही पार पावे। बनी के पच रहो से सुन ही पार पावे। बनी सहज ये किन्नरी बहुर अरु बहुर गंधरबनी पन्नगनी चितवन नहीं माझ पावे। किन्नरी बहुर अरु बहुर गंधर्वनी पन्नगनी चितवन नहीं माझ पावे। ये देत करता आलवे ये लाल लाल गोपाल सो देत करता
लाल गोपाल सो पकरी ब्रज बाल कपि जो ओ नचावे पकरी ब्रज बाल कपि जो ओ नचावे सहज यह लूट को कहे ललन पकराव मुहे पामरी को कहे लाल बल लाव पीढ़ी को कहे ललन पकराव मोहे पावरी को कहे लाल बलि लाव पीढ़ी को कहे ए ललन गहाव मोहे सोहनी को कहे ललन ए गहाव मोहे सोहनी को कहे लाल चढ़ी जाओ सीढ़ी को कहे लाल चढ़ी जाओ सीढ़ी बनी सहज यह को कहे ललन देखो मोर कैसे नचे को कहे ये ललन देखो।